दिल्ली को दहलाने वाली टीचर। जी हाँ, दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको हैरानी में डाल देगा। देश की राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली वारदात। एमसीडी स्कूल के एक टीचर की हैवानियत सामने आई है। पांचवी कक्षा की बच्ची को पहले मारा और उसके बाद फिर फर्स्ट फ्लोर से फेंक दिया गया। एमसीडी स्कूल की दो महिला टीचर्स का यहाँ पर आपस में झगड़ा हुआ था। आपसी झगड़े में पांचवी कक्षा की बच्ची को पहले पेपर कटर से मारा और फिर पहली मंजिल से बच्ची को नीचे फेंक दिया। फेंके जाने के बाद बच्ची के सिर पर गंभीर चोट आई है। दिल्ली के हिंदूराव अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा है। तो एमसीडी टीचर्स की एक करतूत, और हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर हाई लेवल जांच कर रही है। पांचवी कक्षा की छात्रा जिसके सर पर चोट लगी है और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। दो शिक्षकों की आपस में लड़ाई और यहाँ पर बच्ची को पहली मंजिल से फेंका गया है। फिर पहली मंजिल से बच्ची को फेंका गया और उसके बाद बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। सर पर इसके चोट है, अस्पताल में इसे भर्ती करवाया गया है। इसमें जो हम लोग जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, एक ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे फिफ्थ क्लास तक है और यहाँ पे एक टीचर जो है वो वायलेंट हो गई बच्चों के साथ। कमरे को अंदर से बंद कर लिया और बच्चों की बॉटल्स वगैरह भी तोड़ डाली और एक बच्ची को जो है पहले उसमें सीजर से हमला किया उसके ऊपर और फिर उसको फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरा दिया है। तो वही मैं देखने के लिए भी यहाँ साइड पर आई थी कि किस तरह का स्कूल है, कितनी ऊंचाई रही होगी। वैसे बच्ची अभी ठीक है, अभी आउट ऑफ डेंजर है, उसका इलाज चल रहा है और इस पर हम लोग लीगल एक्शन ले रहे हैं।